थिएटर में लाइव शो में स्वागत है आप लोगों का। आप लोग जो है आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब जो है हमारी आज जो परिचर्चा का विषय है, पोलियो नी के लिए सबसे बेस्ट कैलिपर कौन सा है आपके क्लिनिकल कंडीशन को देखते हुए, और साथ साथ जो है आपका जो डिफॉर्मिटी लेबल है उसमें कौन सा नी कैलिपर कितना बेहतर काम करेगा, इससे संबंधित आज परिचर्चा है। तो अभी हम जुड़ रहे हैं आप लोगों से, आप लोगों के साथ हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारी जो है कन्वर्सेशन हो, जो आपकी प्रॉब्लम हो, वो उसका समस्या का समाधान हम आपके साथ जुड़ करके कर सकते हैं। थैंक यू। हमारे साथ सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। मेरा जो है संपर्क सूत्र मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, अगर और भी कोई जानकारी आपको प्राप्त करना है तो जो है आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। जिनका भी जो समस्या है आप पूछ सकते हैं। अच्छा मोहित जी, आपको भी हमारा हेलो एंड ओम शांति। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो परिचर्चा का विषय है वो है हमारा स्टांस कंट्रोल। स्टांस कंट्रोल जो कैलिपर्स होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं, जैसे हम लोग नेचुरल चलते हैं उस तरह की चाल स्टांस कंट्रोल में होती है। जब भी आप हील पे वजन जैसे ज़मीन से टच करते हैं तो नी जॉइंट जो है आपका लॉक हो जाता है, और उसके बाद जो है अगर आप टो के तरफ जाते हैं तो वो नी जॉइंट जो है आपका फोल्ड हो जाता है। तो इस प्रकार का जो कनेक्शन, जैसे हमारा इस प्रकार का जो डिजाइन होता है उसे स्टांस कंट्रोल, जैसे कि हम लोग नॉर्मल चलते हैं उसी तरह का ये कैलिपर डिजाइन होने के बाद आपकी नी बेंडिंग इसमें पॉसिबल होती है, एंकल मूवमेंट होती है, और आपको चलने में काफ़ी आरामदेह होता है। किसी भी प्रकार का, जैसे नॉर्मल कैलिपर में क्या होता है कि पैर हमारा सीधा रखना पड़ता है स्ट्रेट वाइल वॉकिंग, मतलब चलते समय, लेकिन जो हमारी ये स्टांस कंट्रोल है इसमें क्या है कि आप जो है पैर को बिना सीधा रखे, जैसे हम लोग दूसरा पैर, जैसे मान लीजिए नॉर्मल पैर मुड़ता है, उसी प्रकार से स्टांस कंट्रोल में पैर जो है मुड़ता है और चलने में आपको काफ़ी सुविधाओं, मतलब काफ़ी कम लिमिटेशंस फील होती है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टांस कंट्रोल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मुझे पोलियो है और अगर नी में पावर कितनी है या नहीं है उससे नहीं वो कंपेयर करते, वो सोचते कि मैं भी स्टांस कंट्रोल लगा सकता हूँ, मैं भी नॉर्मल चल सकता हूँ। तो स्टांस कंट्रोल की भी जो है काफ़ी लिमिटेशंस हैं, और उसको किस कैंडिडेट के लिए, मतलब किस पेशेंट के लिए स्टांस कंट्रोल बहुत सुटेबल है, ये आज हम इस परिचर्चा में आज हम डिस्कस करेंगे। अभी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं सयतन चौधरी जी, कार्बन फाइबर से बना है केएफ है। सर ये कैलिपर क्या यूज कर सकता हूँ मैं? मोहित जी,
आपका जो है अगर नी पूरा स्ट्रेट है और आपके पैर में शॉर्टनिंग नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर पैर आपका लेंथ वाइज छोटा बड़ा है और नी में फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर है, मान लीजिए कि नी मुड़ा हुआ है पूरा सीधा नहीं है, तो फिर हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो कंडीशंस होते हैं कि नी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए वो जब आप सोते हैं उस समय, जैसे या सीधा करते हैं नी को तो उस समय, और साथ साथ जो है आपकी एंकल में डॉर्सी मतलब एंकल थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर की तरफ हो जिससे कि आप चलें तो आपकी जो मूवमेंट की जो कोऑर्डिनेशन है वो बराबर हो सके। तो ये चीज़ों को आप अगर चेक कर लें अपने आप ही कि हमें किस प्रकार से मतलब कि जो जो है हमें पावर है और हमारी क्या क्या मूवमेंट है, तो उससे आपको काफ़ी आसानी होगी आपको अपना डिसीजन लेने में। ठीक है मोहित जी, अब हम तो नी फ्लेक्शन, फ्लेक्शन का मतलब है तो है कि नी का जो मुराव है, अगर आपका पूरा स्ट्रेट नी नहीं हो पाता तो स्टांस कंट्रोल हम नहीं लगा सकते। अगर आपके नी में जो है सीधा पूरा हो सकता है तो हम उसको लगा सकते हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो पूछ रहे हैं आप चौधरी साहब, उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन ही अभी डिस्कस कर रहे हैं कि नी में जो है फ्लेक्शन कॉन्ट्रेक्चर अगर 10 डिग्री से ज़्यादा है और स्ट्रेच होकर के अगर सीधा नहीं होता है तो हम नहीं लगा सकते। शॉर्टनिंग आपके पैर में है मतलब पैर छोटा बड़ा है 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तब भी हम नहीं लगा सकते। अगर आपकी जो पैर है अंदर की तरफ ज़्यादा गिर रही है फुटपार्ट और वेलगस डिफॉर्मिटी है, तो उसमें भी हम उस कंडीशन में हम स्टांस कंट्रोल को नहीं देते, क्योंकि आपकी जो है काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है और ट्रिप एंड फॉल मतलब गिरने की संभावना बनी रहती है। तो इस सब से बचने के लिए जो है हम कोशिश करते हैं कि आपका जो भी स्टांस कंट्रोल कैलिपर है उसमें आपको कम से कम लिमिटेशन का सामना करना पड़े। दूसरा जो है आपको चलते समय आपको ट्रिप एंड फॉल मतलब गिरने की समस्या ना रहे। तीसरा जो है चाल, आपकी जो चलने की जो शैली है गेट पैटर्न है वो आपका यूनिफॉर्म हो। साथ साथ आपको जितना भी कम से कम लिम्पिंग हो सके वो भी हमारी पहली चॉइस होती है। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए हमें इस चीज़ों का हमें पूरा ध्यान रखना होता है। इसमें जो है आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नेचुरल, जैसे हम लोग नॉर्मल लेग से चलते हैं उसी प्रकार के लेग से चल सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं। ये जो है मेजर चीज़ें जो है ये है, ठीक है, जिससे कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए स्टांस कंट्रोल सुटेबल है या नहीं है। तो पहला कंडीशन हो गया कि नी में जो है फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर मतलब नी की जो मुराव है वो 10 डिग्री से 15 डिग्री से 10 डिग्री से ज़्यादा ना हो। दूसरा जो है शॉर्टनिंग 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो, उससे कम हो या जीरो हो तो बहुत बढ़िया है। तीसरा जो है डिफॉर्मिटी, वेलगस और वेरस डिफॉर्मिटी ना हो, पैर एकदम बिल्कुल सीधा हो, ये नहीं कि पैर में जो है कॉर्ब हो काफ़ी तो उसमें भी दिक्कत होती है, ठीक है। चौथा जो है आपके एंकल की जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ, जैसे एंकल ऊपर की तरफ उठना चाहिए, तो वो भी नेक्स्ट आपके लिए जो है आपके लिए जो है वो सुटेबल होती है। उसके बाद जो आती है डिजाइन एंड फैब्रिकेशन। अब डिजाइन एंड फैब्रिकेशन जो है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके ऊपर जो है आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टांस कंट्रोल बनाने के लिए, जो आपके जो प्रोथेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट हैं वो कितना कॉम्पिटेंट हैं और कितने सालों से वो इस चीज़ को फैब्रिकेट कर रहे हैं। तो डिजाइन जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके डिफॉर्मिटी को अलाइन करने, डिफॉर्मिटी को सेट कर, डिफॉर्मिटी जो आपकी रीअलाइनमेंट करने में, साथ साथ जो है आपकी बॉडी की जो अलाइनमेंट है उसको करेक्टिव पोजीशन में रख करके मैक्सिमम उसको डिजाइन करने में, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब हमारे साथ जुड़े हैं मोहित जी, पूछ रहे हैं मूवमेंट कम है हल्का मुड़ा हुआ भी पड़ा है, तो इस केसेस में संभावना काफ़ी कम है स्टांस कंट्रोल की,
उसके लिए जो है आप जो है अभी सबसे पहले जो है अगर आप चाहते हैं, अगर नी पूरा सीधा नहीं हो रहा है तो आपके लिए जो नी एक्सटेंशन असिस्ट, आप जो है नी जॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो है कंफर्ट लाइन बढ़ सकती है और साथ साथ चलने में आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। पोलियो केसेस में स्टांस कंट्रोल दे सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टांस कंट्रोल के लिए जो मैंने आपको कंडीशंस बताए हैं वो अगर फुलफिलमेंट हो रही है तब तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं हो रही है तो आप जो है नहीं दे सकते क्योंकि उसमें फिर स्ट्रगल ज़्यादा हो जाएगा, पेशेंट की गिरने की संभावना काफ़ी हाई हो जाएगी। अब स्टांस कंट्रोल जो है दो तरह के हम लोग जो ज़्यादातर यूज करते हैं, एक जो है फुल स्ट्राइड बोलते हैं, दूसरा जो है सेफ्टी स्ट्राइड बोलते हैं। तो फुल स्ट्राइड जो होती है वो उसमें जीएक्स नी भी लगा सकते हैं जिससे कि आपको एक्सटेंशन असिस्ट मिल जाता है, नी को ज़्यादा हेल्प मिलता है। साथ साथ दूसरा जो है आपका आता है सेफ्टी स्ट्राइड, इसमें जो है अगर किसी पेशेंट को गिरने की संभावना है तो उसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं और उसको हम धीरे 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 उसको नी की जो एक्सटेंशन पावर है मतलब सीधा रखने की जो पावर है उसको हम मजबूत कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप चलते हैं तो नी की स्ट्रेंथनिंग होती रहती है, मतलब नी की जो है पावर धीरे 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 जो है स्ट्रांग होता रहता है, तो उससे आपको ट्रिप एंड फॉल करने की टेंडेंसी कम हो जाती है और फिर चलने में आपको काफ़ी सुविधाजनक होती है। और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लोग, उनको और भी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को जो भी स्टांस कंट्रोल से रिलेटेड क्वेरीज है आप पूछें, जानें और समझें कि स्टांस कंट्रोल क्या है और कैसे काम करता है और कैसे आपको जो है इससे मदद मिलती है और कैसे आप उसका प्रारूप चलने में आपको कैसा महसूस होता है। तो ये सारा चीज़ जो है वो स्टांस कंट्रोल के जरिए ही आप कर सकते हैं। अब ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो स्टांस कंट्रोल के लिए सुटेबल हैं या नहीं हैं इसके बारे में मैंने पहले पर चर्चा कर रखा है, तो आप खुद को भी डिसाइड कर सकते हैं कि स्टांस कंट्रोल कितना आपके लिए कामयाब हो सकता है और स्टांस कंट्रोल से काफ़ी इम्पैक्ट आपकी नेचुरल चाल बन जाती है जिससे कि आपको चलने में असुविधा नहीं होती और आपको चलने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये है आपका स्टांस कंट्रोल। स्टांस कंट्रोल जो है ज़्यादातर जो है कंपनियां जो हैं जर्मन और यूएस बेस्ड हैं, जो आपको मैकेनिकल बेस्ड जो है यूएस की सबसे डोमिनेंट कंपनी है बेकर ऑर्थोपेडिक, वो स्टांस कंट्रोल डिजाइन करती है और स्टांस कंट्रोल जो है वो कंपोनेंट सप्लाई करते हैं हम लोग। हमारे पास आप अगर फिजिकली विजिट करते हैं तो सबसे पहले स्टांस कंट्रोल का जो है डेमो मॉडल के साथ चेक कर सकते हैं, साथ साथ उसके साथ जो है अगर आपको स्टांस कंट्रोल में चलने में अगर आप सफल होते हैं तब हम उसको डिजाइन करते हैं जिससे कि आपकी जो है चलने में कोई असुविधा न हो और आप लंबे समय तक उसको प्रयोग कर सकें और आपकी लाइफ को जो है बेहतर बना सकें। तो ये हमारी पहली एजेंडा है कि आप लोगों को लाइफ कितना बेहतर बन सकता है टेक्नोलॉजी वाइज, तो उसके ऊपर ही हम वर्कआउट करते रहते हैं। अब स्टांस कंट्रोल जो है ज़्यादातर ये तो मैकेनिकल मॉडल है फुल स्ट्राइड और सेफ्टी स्ट्राइड, नेक्स्ट आती है आपको इलेक्ट्रॉनिक मॉडल। इलेक्ट्रॉनिक मॉडल का मतलब होता है कि जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मॉडल में क्या होता है कि न्यूरोट्रॉनिक जैसे हैं जेंसेन फ्योर कंपनी बनाती है, तो इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इज सेम, जो बनाने की और चलने की जो शैली है वो सेम है, लेकिन उसमें जो है धीरे धीरे हमारी जो चाल है वो बदलती रहती है और उसमें जो है हमारा जो एनर्जी लगने की जो एफर्ट्स है मतलब कि जो आप न्यूरोट्रॉनिक लेते हैं जिस जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है उसमें ताकत बहुत कम लगता है, सेंसर उसमें लगे होते हैं, उससे क्या है कि आपकी जो एनर्जी वेस्टेज है बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं और आपको नॉर्मल पैर की तरह वो वर्कआउट करता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में, लेकिन प्रिंसिपल जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है वो दोनों के लिए सेम है,
तो स्टांस कंट्रोल कैलीपर जो है आप कैसे सेलेक्ट करेंगे अपने आप के लिए, ये आज मैंने आपको सिखाया। दूसरा जो है स्टांस कंट्रोल में आपके लिए जो स्टेबिलिटी है वो कैसे मेंटेन होता है उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी आप एड़ी से पैर जमीन पे एड़ी को जमीन पे रखते हैं तो उस समय नी आपका लॉक पोजीशन में चला जाता है। जब भी पैर हवा में स्विंग फेज में मतलब हवा में उठने का होता है तो टो से उसकी जो है वेट ट्रांसफर हो जाती है जिसके कारण नी जो है बेंड होता है और यूनिफॉर्मली आप जो है नॉर्मल लोगों की तरह चल पाते हैं। तो ये है आपका स्टांस कंट्रोल। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए स्टांस कंट्रोल से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं, और भी आप जानकारी को बता सकते हैं। और भी कोई क्वेरीज है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ व्हाट्सएप सेवाएं भी उपलब्ध हैं, इस पे आप अगर नहीं लिख पाते हैं चैट में तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जिसके जरिए आप जो है इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं और आप आसानी से सारे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो ये है हमारी संपर्क सूत्र 9899752616। हमारा समय कुछ ही देरों में पूरा होने वाला है। अब आप लोग जो है अगर और भी कोई जानकारी है तो अवश्य पूछ लें क्योंकि जो है टाइम लिमिटेड है। तो आप जो है स्टांस कंट्रोल से संबंधित कोई भी आदमी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी मॉडल पड़ा हो तो क्या अभी दिखा सकते हैं? स्टांस कंट्रोल का मॉडल जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा क्योंकि स्टांस कंट्रोल जो है या आपका संपर्क सूत्र है मेरे पास तो मैं या तो आप मुझे भेज दीजिएगा मैं आपको दिखा दूंगा। अभी तो मैंने स्टांस कंट्रोल कैलिपर स्टोर से जारी नहीं करवाया आपके इस वीडियो के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जो है हम इसका ध्यान रखेंगे जिससे कि आप स्टांस कंट्रोल देख सकें। वेलकम मोहित जी, आपको भी आपने हमसे इंटरेक्ट किया और काफ़ी क्वेश्चन का आपने समस्याओं का समाधान देखा। अब जो है हमारी जो है नेक्स्ट परिचर्चा है उसमें हम डिस्कस करेंगे आपके मॉडल का भी हम लाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 3 मिनट उपलब्ध हैं, अगर आपको और भी कोई क्वेरीज हो कि नहीं का तो पूछ सकते हैं। बाकी जो है हम आपकी नेक्स्ट सेशन में इंटरेक्ट करेंगे। आप लोग अपना क्वेश्चंस रख सकते हैं, जो भी आपके मन में डाउट है। आज का जो सेशन है काफ़ी इंटरेक्टिव रहा आप लोगों के साथ, उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से बना रहे।
ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग में हम आपके साथ जुड़ते हैं। आप लोगों को धन्यवाद एंड थैंक यू। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।